सो वेलकम बैक टू द एपिसोड 1 ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वर। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी खुद से बात करने से। मेरे को नहीं पता इस समय मैं क्या बात कर रहा था क्योंकि ऑडियो रिकॉर्ड हुई नहीं, बट यार कैमरे में देख रहा हूँ तो कुछ तो बोल ही रहा हूँ। अभी तो पागल हो रहा था ओके। पर उसके बाद मैंने एक ट्री फाइंड करी जो कि बहुत मिस्टीरियस थी, क्योंकि आधी स्नो वाली ट्री और आधी नॉर्मल ट्री है जो दिखने में बहुत अजीब लग रही थी। पर यहाँ तो इससे मेरे को अंदाजा मिल चुका था कि मेरा वर्ल्ड कितना अजीब होने वाला है। तो मैंने तुरंत ही वुड कलेक्ट करने का स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे को फाइंड करनी थी शीप, बिकॉज ये नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है, ये है हार्ड सर्वाइवल। यस, मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत लोग या फिर तो हार्ड मोड खेलते हैं, हार्ड कोर मोड खेलते हैं या फिर नॉर्मल सर्वाइवल खेलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों को मिक्स कर दूं, क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूं कि जो मरेगा ही नहीं, क्योंकि हार्ड कोर में एक बार मरने के बाद पूरा वर्ल्ड खो जाता है। और मैं वैसा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूं, मेरे को वो सीखना भी नहीं। मेरा एम है सीरीज के द्वारा मैं बिल्डिंग स्किल सीखूं, अच्छी अच्छी चीज माइनक्राफ्ट में बिल्ड कर पाऊँ। सो या तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं सर्वाइवल मोड कोई हार्ड में खेलूं। और दूसरा रीजन ये था कि मैं खेलता हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में, जिसमें हार्ड कोर मोड अभी तक तो है नहीं। तो हार्ड सर्वाइवल के लिए मैंने सबसे पहले इंटरव्यू में शीप को कलेक्ट करूँ, क्योंकि मेरे को शीप मिली नहीं रही थी। और जैसे मेरे को पहले शीप मिली तो उसने भी मेरे साथ जल्दी छोड़ दिया। सही में यार मिस्टी बहुत ज्यादा आने लग गई है ना प्रीमी, मुझे नहीं पता, मुझसे बात मत कर। ठीक है भाई, सब क्या लगी न करे। उसके बाद मैंने कलेक्ट किया था थोड़ी देर तक फूड, इसलिए मैंने काऊ को मारा और उनसे फूड कलेक्ट कर लिया। मेरे को कुछ और शीप मिली उनको भी मारा, हमको एक एरिया मिला जिसमें आधा पानी जमा हुआ था और राधा नहीं जमा होता। रियली भाई ये बोले इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं लग रहे, जिसमें तुम खड़े रहते हो राधा एक बंदा कुछ और होता, राधा बंदा कुछ और होता। माइनक्राफ्ट भी लगता है पॉपुलर होना चाहता है इंस्टा पे। और देखते देखते रात आ गई, मेरे पास सिर्फ दो ही वूल थी, जिसको देखे मैं बहुत घबरा गया क्योंकि मैं बेड नहीं बना सकता और हार्ड सर्वाइवल में मेरा बिल्कुल भी चांस नहीं सर्वाइव करने का, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो प्लेयर। फिर बोलने में बहुत बेकार लगता है, मैं प्रो ही बोलूंगा। और यहाँ पे मेरे को शुगर केन भी मिल गया जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया, लेकिन शुगर केन के साथ मेरे को कुछ और भी मिले। मेरे को मिला ट्राइडन वाला ज़ॉम्बी, मतलब ड्राउन। हमने डिसाइड किया इसको मार के देखते, क्या पता शुरू में ही लग चमक जाए मेरे को ट्राइडन मिल जाए। बट यस, हार्ड सर्वाइवल में ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे को जल्दी समझ आ गया। और उसके बाद जब मैं वापस अपना सामान ले जाने लग गया तो स्पाइडर ने मेरे पे हमला कर दिया। पूरे ज़ॉम्बी के 5-6 ज़ॉम्बी ने आकर मेरे को एक साथ हमला कर दिया। मेरे पास बचने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं था, है ना क्रीमी। अबे बोला ना मुझसे बात मत कर। ठीक है भाई, मेरे को जल्दी समझ आ गया कि मैं अपना सामान दोबारा वापस नहीं ले जा पाऊंगा। तो मैंने वापस से वुड कलेक्ट करने का स्टार्ट किया, लेकिन वुड कलेक्ट कर रहा था तब भी है ना मेरे को एक स्केलेटन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो मैं वहां पे जाके गड्ढे में घुस गया, मैंने डिसाइड किया पूरी रात यहीं पे बिताऊंगा। पर मैंने सोचा क्यों ना जब तक स्केलेटन को मार दूं, क्योंकि स्केलेटन मरता तो वो कुछ बो और एरो दे देता है जो मेरे काम आ सकती थी। तो मैं उसके पैर पे मारने लग गया, पर देखते देखते वो मेरे होल में पता नहीं कैसे आ गया और भाई मैंने उसको जैसे तैसे मार दिया। और मेरे को उसके बाद एक पंपकिन भी मिल गया था जो पहले, और उसके बाद जब मैं अपना सामान ढूंढने गया था तो मेरे को पंपकिन भी मिल गया था जिसका यूज मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। एक पर्टिकुलर यूट्यूबर है जो सबसे बड़ी पंपकिन की फील्ड बनाना चाहता है, डेफिनेट चैलेंज है। और किसी तरह मैं बस्ते बचाते यहाँ तक पहुंचा, लेकिन मैं हिल से गिर गया जहाँ पे मेरे को दो स्केलेटन भैया मिले और उनने मेरी एसी की तेजी कर दी। फिर मैं समझ गया कि ये मेरे को रात कैसे बितानी पड़ेगी, भाई इनसे लड़ नहीं सकता मैं, इतनी औकात नहीं है। पता चला ना तेरे को तेरी औकात, आज पता नहीं क्रीमियों में से क्यों गुस्सा। और फिर जैसे तैसे रात खत्म हो गई तो मैंने अपने वापस बेसिक टूल जितने भी थे सबके सब बनाए और मैं एडवेंचर पे चला गया। एडवेंचर पे जाते जाते मेरे को रोज फ्लावर मिले जो कि मैं अपने साथ जाने लग गया क्योंकि ये मेरे घर को डेकोरेट करने में बहुत काम आएंगे। उसके साथ मेरे को मिले वुल्फ्स, यस। किसको वुल्फ नहीं पसंद। तो मैंने उनको जल्दी से टीम करना स्टार्ट कर लिया। और अच्छी बात है कि मैं उन स्केलेटन से रात को लड़ रहा था क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बोन हो चुकी थी जिसको यूज करके मैंने इन सबको टीम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने पहले वुल्फ को टीम किया, दूसरे को किया, लेकिन तीसरे को गलती से हिट कर दिया। और मेरे जो दो प्यारे वुल्फ थे उन्होंने अपनी लॉयल्टी जल्दी प्रूव कर दी, बहुत लॉयल है। तो मैंने एक बहुत डेयरिंग काम करने का सोचा, सिंस बीस बॉय वापस नहीं आ रहा तो मैंने डिसाइड किया मैं चुप्पू से पूछूं। एंड मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से पूछ लिया लगता है, आई डोंट नो मेरे को नहीं पता। चिपू कहाँ गई, बीस बॉय वापस आ जाओ यार। उसके बाद मैं कुछ और फूड कलेक्ट करी और देखते देखते डे एंड हो गया। मेरे को एक बी हाइव भी मिला जो आगे जाके काम आ सकता है हनी बनाने में, पता नहीं मैंने ऐसे क्यों बोला। कट। फिर मेरे को मिला ही बेस्ट लुक जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट लुक था। आई मीन सीरियसली देखो यार कितना अच्छा लुक है। अगर मैं वहाँ पे नीचे कुछ बनाऊंगा और रियली बहुत अमेजिंग दिखेगा, मेरे को नहीं पता कैसे बना। 1.17 की बेटा की जो टेरेन जनरेशन है, नहीं 1.18 के बेटा की जो टेरेन जनरेशन है बहुत औसम है। और टेरेन जनरेशन के साथ पता क्या आता है, फोन में लैग प्रॉब्लम, क्योंकि वर्ल्ड जल्दी लोड नहीं होता। मेरे को बहुत सारे लैग प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था, पर मैं 1.18 की टेरेन थी अच्छी, तो मैंने डिसाइड किया मैं 1.18 में स्टार्ट करूँ। उसके बाद मैं अपने जितना भी मेरा सामान था मैं उसके साथ अपना एक छोटा सा स्टार्टर बेस डिसाइड करने लग गया, क्योंकि अगर तुम माइनक्राफ्ट खेल रहे हो सच बताओ अगर डट हाउस नहीं बनाया तो क्या ही बनाया। उसके बाद तो मैंने एक जल्दी से डट हाउस बना लिया, मैंने काउस को ट्रैप कर लिया, अपने एंट्रेंस में फ्लावर भी लगाया रोज जो मैं वहाँ पर लेके आया था, कहा था ना अच्छे लगेंगे शुरू में। मेरे पास कुछ लेदर भी था और मेरे को नहीं पता कहाँ से आया। मैंने काऊ को बिल्कुल नहीं मारा, नहीं हम नहीं मारते।
ऐसे नहीं करते, बट उस लेदर से मैंने खुद के लिए कुछ टूल बना लिए। और मेरे घर के पास एक नेदर पोर्टल था ब्रोकन वाला, जिससे मेरे को कुछ गोल्डन टूल्स मिल गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे घर के बहुत पास था, मैं कुछ ऑब्सिडियन लगा के इसको फुल कर सकता था, और इसको बाद में डेकोरेट भी कर सकता हूं, जो कि मैं करूंगा, क्योंकि मेरा महीना सदी इस वर्ड को स्टार्ट करने का कि मैं बिल्डिंग स्किल सीखूं, मैं थोड़ा मजा भी करूं। फिर आ गई थी रात, मैं सो गया था, बट ऐसा मैं सोच रहा था मैं सो गया था, पर मेरे घर के पास ही क्रीपर आ गया और उस क्रीपर ने इस कर दी। इसलिए हार्ड सर्वाइवल बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि तुम देखो इसमें जो मॉब के स्पॉन रेट होते हैं ना, आई डोंट नो टेक्निकली कितना है, पर मेरे को लगता है दुगने हो जाते हैं, क्योंकि इतने बहुत हार्ड हो जाते हैं। स्केलेटन से तो तुम बिना शील्ड के लड़ ही नहीं सकते। एनीवेज अनिया, आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। मैंने ऊपर अपनी छत को ग्लास से भी कवर कर लिया था, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा था। एंड नेक्स्ट एडवेंचर में मैं अपने एक सीक्रेट दोस्त को ले जाने वाला हूं, तो वो वाला एडवेंचर देखना बिल्कुल मत भूलना, अभी स्क्रीन पर आ रहा होगा। और अगर तुम भी मेरी जर्नी के साथ पार्ट होना चाहते हो, वैसे कमेंट करके बताओ तुम यहाँ तक आए भी हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता क्रीम ही यहाँ तक आया होगा। मैं नहीं देख रहा तेरी वीडियो, भाड़ में गया तू। चलो मैं चलता हूँ, मैं इसको मनाता हूँ, पता नहीं गुस्सा क्यों है। मिलते तुमसे अगली वीडियो में।